तथाकथित बड़े बड़े लोगों के साथ अपना चित्र लोग खिंचवाते हैं, फिर उनको दिखाते हैं, पता चलता है कि आपको भीतर से वस्तुतः चाहिए क्या। आप अपनी कामना को लबादा किसी भी भाव का उड़ा दीजिए, पर मैंने कहा ना, आपकी याचना बताती है कि आप भीतर से कैसे हैं, आपका मन चित्त कैसा है, आपके मन में काम है या राम है, या आपकी याचना से प्रकट हो जाता है। ठाकुर जी के साथ चित्र हो तब आपको कोई आनंद नहीं है। कोई मंत्री, नेता, अभिनेता, प्रधानमंत्री, कुछ भी, तो कैसे आप एक एक व्यक्ति को दिखाते हैं, कैसे कैसे आप उसका प्रचार करते हैं, ये बताता है कि आपके मन चित्त की वृत्ति वस्तुतः संसार ही चाहती है। आप चाहते संसार की ही को हैं। कुंभन दास कह रहे हैं कि मेरे को आने से चारों ओर से हानि ही हानि तो हुई। जाको मुख देखे दुख लागत ताको करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, सब जग जूठो दाम भगत को कहा सीकरी काम, भगत को कुंभन दास गाए जा रहे हैं, अकबर वाह वाह किए जा रहा है और बीरबल चिंता में डूबता ही जा रहा है कि जब इनका गान समाप्त होगा तब बादशाह पूछेंगे कि गाया तो बहुत खूब पर क्या गाया, और जिसका भय था सोई हुआ। इधर कुंभन दास जी का गान पूरा हुआ, अकबर वाह 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 वाह, बोले बीरबल जरा बताओ तो कि इस फकीर ने क्या गाया। अब बीरबल गर्दन नीचे किए खड़ा है, वो कहे कि कैसे बताऊं, बताया तो बेचारे के प्राण जाएंगे। अब बीरबल मौन। दो बार बादशाह ने कहा, तीसरी बार तो बादशाह को क्रोध आ गया, बोले बीरबल आवाज बुलंद बताओ। तो बीरबल ने मन में विचार किया, इससे अच्छा है कान में ही बता देता, एक अकेले आप ही को पता चलता, अब सारा दरबार सुनेगा कि इसने क्या गाया है। बादशाह सलामत का हुक्म है कि बीरबल आवाज बुलंद बताओ कि क्या गाया इस फकीर ने। तो बीरबल ने बताया, जाको मुख देखे दुख लागे ताको करनी परी प्रणाम, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन सब जग झूठो दाम। पर हुआ बिल्कुल विपरीत, बीरबल कुछ और सोचता था पर हुआ बिल्कुल विपरीत। खड़ा हुआ बादशाह अपने सिंहासन से, उतर कर आया और कुंभन दास जी से कहने लगा, आप सच में फकीर हैं, आपकी बात बताती है कि आपने खुदा को देखा है, वरना जिस बादशाह के दरबार में बड़े बड़े राजा मस्तक उठाने से डरते हों, जिस बादशाह के पांव में बड़े बड़े सम्राटों के मुकुट लोटते हों, जगदीश के दरबार का एक सेवक बादशाह के सन्मुख होकर कहता है, जाको मुख देखे दुख ला। आपको निवेदन करूं बाप, मैंने कहा कि आप भजन करोगे, निरीक्षण करते रहना कि परिणाम क्या आ रहा है भजन का, भक्ति का परिणाम क्या आता है। मैं निवेदन कर रहा था आप भजन करें, पर भजन का परिणाम जीवन में आवे उसका निरीक्षण आप करते रहिएगा। इसीलिए जीवन में सत्संग सतत आवश्यक है। आपको निरीक्षण सिखाएगा सत्संग, आपको आत्मविश्लेषण सिखाएगा सत्संग, आपको आत्मनियंत्रण सिखाएगा सत्संग। आप भजन भी कर रहे हैं और जीवन में भय भी बना है, आप भजन भी कर रहे हैं भ्रम भी है, आप भजन भी कर रहे हैं दुविधा भी है, आप भजन भी कर रहे हैं और आपको अनन्य आश्रय नहीं हुआ है, इसका मतलब आपकी युक्ति में कहीं ना कहीं खोट है। मैं जब जब इस घटना का विचार करता हूं, कुंभन दास जी चल कर गए और पन्हैया पहले से टूटी ही थी, टूटी हुई पन्हैया, और देखो बादशाह ने बुलाया लेकिन बादशाह के देवे किसी सम्मान का स्पर्श नहीं करते, बादशाह बैठने को आसन देता है, आसन की ओर दृष्टिपात नहीं करते, और बादशाह के सन्मुख होकर बादशाह से कहते हैं, जाको मुख देखे दुख लागे
पिता को करनी परी प्रणाम। कुंभन दास लाल गिरिधर बिन सब जग झूठो दाम। भगत को कहा सीकरी काम, भगत को नाराज जी भक्ति सूत्र देते अन्याश्याणाम त्यागो अनन्यता। और मैंने अभी निवेदन किया आपसे कि पहले भक्ति तरल होगी, आपकी भावना चंचल होगी। यदि आचार्य प्रदत्त मार्ग का आप अनुशासनबद्ध होकर उस उपासना सिद्धांत का आप सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करते हैं तो आपकी भावना शनै शनै प्रगाढ़ होने लगेगी। भावना धीरे धीरे गाढ़ी होगी, धीरे धीरे इष्ट के अतिरिक्त, अशिष्ट के अतिरिक्त जितनी भी सत्ता है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। या फिर सरल शब्दों में मैं कहूं तो माया द्वारा उत्पन्न जो प्रवंचना, जो विलास है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। धीरे धीरे केवल इष्ट की अनुभूति, सांद्र सघन प्रगाढ़ भावना धीरे धीरे आकार लेने लगेगी। और फिर एक दिन भक्ति ही, भावना ही ले जाएगी वहां। जानत तुम ही होई जा। हमारे बड़े बाबा कहते थे भजन के मार्ग पे साधक कौन है? भजन के मार्ग पे साधक वो है जिसको प्रभु प्रिय हो, और भजन के मार्ग पे सिद्ध वो है जो प्रभु को प्रिय हो जाए। भक्त के मन में व्याकुलता हो ये भजन के मार्ग की साधना है, और भगवान भक्त के बिना व्याकुल हो जावे ये भजन के मार्ग की सिद्धि है। यहां केवल भक्त के हृदय में भगवान नहीं, भगवान के हृदय में भी भक्त रहते हैं। कुंभन दास जी को स्मरण हो रहा था कि श्री गोवर्धन नाथ हमारे बिना व्याकुल होते होंगे। एक बार ऐसी घटना घटी, श्री गोसाई जी बड़े चिंतित रहते थे कुंभन दास जी की आर्थिक दशा को देखकर। अत्यंत अभावग्रस्त जीवन। और मैं तो कई बार निवेदन करता हूं, एक मेरे श्री कृष्ण के अतिरिक्त आपको 3 लोक 14 भुवन में एक भी ऐसा देव नहीं मिलेगा। आप किसी के भी पास जाइए, आप किसी का भी व्रत अनुष्ठान करिए, वो आपको कहेगा आप ये करिए मैं आपको ये दूंगा, आप ये करिए मैं आपको ये दूंगा। एक मेरे श्री कृष्ण ऐसे हैं जो डंके की चोट पर घोषणा करते हैं, आप मेरे निकट आइए मैं आपका सर्वस्व हर लूंगा, मैं तुम्हारे पास कुछ नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे सब संकल्प निष्फल करा दूंगा, तुम्हें रिक्त कर दूंगा, तुम्हारे पास मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा। प्रेम गली अति साकरी तामे दो ना सा। गोपी के पास मन होता तो पीड़ा भी होती। उद्धव तो पीड़ा का निवारण करने आए थे, उद्धव करुणाद्र हो गए गोपांगनाओं की वो भाव विवल दशा देखकर पीड़ा का निवारण करने आए, पर गोपी कहती है उद्धव पीड़ा नहीं है, कृष्ण है। तू जिसे पीड़ा समझता है वो कृष्ण है। पीड़ा तो मन को होती है, और मन एक सु हो सो तो गयो शांस को आराधे इस तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस रयो धो सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश रयो धो और नहीं जगदीश रयो धो मन ना भय दस भी। उद्धव मन नहीं है, मन तो कृष्ण के पास है, और अगर तू देख सके तो देख। तू आया किस लिए? तुझे कृष्ण ने भेजा है ना, तुझे कृष्ण ने संदेशा देने के लिए भेजा है। तू आया क्यों? कृष्ण ने हमारी खबर नहीं, कृष्ण ने अपनी खबर लेने के लिए भेजा है, क्योंकि हमारा मन कृष्ण के पास में है और कृष्ण अपना मन हमारे पास में छोड़कर गए हैं। तुझे कृष्ण ने अपनी खबर लेने के लिए भेजा है। तभी सूर बाबा कहते हैं उधो सूधो भयो है,
उद्धव तो समझाने आए थे और प्रेम की पार्टी में पाठ पढ़कर गए। तो श्री गोसाई जी ने मन में विचार किया कि किसी प्रकार से श्री कुंभनदास जी की आर्थिक स्थिति का कुछ पोषण कराया जाए। तो श्री गोसाई जी ने एक बार विचार किया कि द्वारिका की यात्रा पर जाएंगे। कुंभनदास जी से आग्रह किया कि आप भी हमारे संग चलिए। संग ले जाने का उद्देश्य कुछ और नहीं था। श्री कुंभनदास जी ने कि वो मानसिंह की घटना जब श्री आचार्य चरण ने श्रवण की तो मन में विचार किया कि इन्होंने राजा से नहीं लिया, ये अन्य किसी से नहीं लेते तो हमारा दिया हुआ द्रव्य तो किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेंगे। पर श्री गोसाई जी के मन में चिंता थी कुंभनदास जी की दशा देखकर, तो विचार किया कि यात्रा पर इन्हें संग ले जाएंगे और कुछ धनी मानी वैष्णवों से इनकी कुछ सहायता हो जाएगी, इनकी कुछ सेवा हो जाएगी, उनका भी साधन सफल होगा और कुंभनदास जी के परिवार को भी थोड़ी अनुकूलता हो जाएगी। ले कर संग चल दिए। कुंभनदास जी गुरु आज्ञा है इसलिए निषेध तो नहीं कर सके, लेकिन मन यही श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में रहा। संध्या हुई, अभी ब्रज भूमि का परित्याग नहीं किया था, शिविर डाल दिया गया और श्री गोसाई जी आकर क्या देखते हैं कि श्री गोवर्धन गिरिराज की ओर मुख किए कुंभनदास जी फूट फूट कर एक छोटे से बालक की भांति रो रहे। श्री गोसाई जी ने पूछा कि आप स्वस्थ तो हैं, कारण क्या है? रोते रोते कुंभनदास जी कहते हैं, केतिक दिन जो गए बिन देखे। अभी 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 प्रातः काल चले हैं, अभी संध्या हुई नहीं, अभी एक रात्रि हुई नहीं, और कुंभनदास जी कहते क्या हैं? केतिक दिन जो गए बिन देखे, तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे। कछुक उठत मुख रेखे, केतिक दिन जो गए बिन दे। और इस पंक्ति में एक एक बड़ा सरस रहस्य है। जब श्री कुंभनदास जी ने गाया कि तरुण किशोर रसिक नंद नंदन कछुक उठत मुख रेखे, कि श्री लाल जी सन्मुख खड़े मुस्कुरा रहे हैं और मुस्कुराहट के कारण उनके मुखारविंद पर जो रेखावली जो रोमावली उभर कर आई है, अर्थात कुंभनदास जी श्री गोसाई जी को संकेत करें कि मेरे चित्त की वृत्ति कहाँ गड़ी है, आप निकालने का प्रयास कर रहे हैं पर मेरा हृदय कहाँ फंसा है। तरुण किशोर रसिक नंद नंदन, कछुक उठत मुख रेखे, केतिक दिन जो गए बिन दे। वह चितवन वह हास मनोहर, वह नटवर बपु भेखे, वह शोभा वह कांति बदन की, कोटिक चंद विशेष। कोटिक चंद विशेष, केतिक दिन जो गए बिन दे। श्री गोसाई जी विगलित हो गए श्री कुंभनदास जी के मुख से ऐसी वार्ता श्रवण करके, श्री कुंभनदास जी के मुख से ऐसा भाव श्रवण करके। श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, श्याम सुंदर संग मिल खेलन की, आवत जियरा अपेखे। आवत जियरा अपेखे, कुंभन दास लाल गिरिधर बिन, कुंभन दास
लाल गिरिधर बिन जीवन जन्म अलेख जीवन जन्म अलेख केतिक दिन जुगए बिन दे। कुंभन दास जी की दशा देखकर गोसाई जी को स्मरण आ गई व्रज की गोपांगनाओं की, वो भाव विव्वल मूर्ति जब गाया करती थी ब्रज की गोपियां उद्धव को देख कर गाई थी, अरे उधो माधव की मुस्कान बस गई न नैनन बिसरत नहीं लगत ना दूजो ज्ञान रे उधो माधव की मुस्कान। हमारे कल्याण पुजारी जी कहते हैं सांप के खाए को मंत्र लगे, सांप के खाए को मंत्र लगे या कि आंख के खाए को मंत्र न तंत्रा। नारायण स्वामी कहते हैं जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। धरत है पग और परत है कितहुं, धरत है पग और परत है कितहुं, सुध नाही धन धाम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। नारायण बौरी भई डो गालिब की एक पंक्ति मुझे याद आती है ये दशा देखकर, जब गालिब कहता है इश्क ने निकम्मा कर दिया गालिब वरना आदमी तो हम भी काम के थे। नारायण स्वामी कहते हैं नारायण बौरी भई डोले, नारायण परत है कितहुं, परत है पग और परत है कितहुं, सुधि नाही धन धान की, जाहे लागी लगन धन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की, जाहे लागी लगन घन श्याम की। कृपानाथ कुंभन दास जी की दशा देखकर बोले कि कुंभन दास जी ये आकुलता आपकी नहीं, ये आकुलता तो लाडले लाल की आपके और अंतर में प्रतिबिंबित हो रही है, सो आप अबेर मती करो शीघ्र जाओ, गोवर्धन नाथ आपके दर्शनन को व्याकुल है रहे हैं। कुंभन दास जी के हृदय की व्याकुलता जब श्री गोसाई जी ने देखी तो कहा कि ये व्याकुलता आपकी नहीं है, ये व्याकुलता श्री जी के हृदय की आपके हृदय में प्रतिबिंबित हो रही है, सो विलंब मत करिए शीघ्र जाइए, लाडले लाल आपके दर्शन को आतुर हैं, आपसे मिलने को आतुर हैं।
और जैसे एक नन्ना सा बालक दौड़ कर जाता है, जैसे श्री गोसाई जी के मुख से श्रवण किया, कोई अन्यथा विचार ना करते हुए दौड़ कर गए श्री ठाकुर जी के सन्मुख होकर मस्तक झुकाकर श्री चरणों में विनती करते हुए कहते हैं, तुमसे हमको बहुत है, तुम सा हमको। हे प्यारे, बिसरी हो न बिसारी हो, बस यही दान मोहे देव। हो हूं मचल पर्यो या पौरी, सुख निरखत रहो नेरी। बस इतनी मन की इच्छा है कि जानता हूं मैं सब अंग गुणहीन हूं और ताको जतन न कोय, पर एक किशोरी कृपा ते जो कछु होए सो होए। हो हूं मचल पर्यो या पौरी, अरे मेरा बाल हट जानकर मैं मचल पड़ा हूं आपके द्वार की, आपके महल की इस पौड़ी पर, सुख निरखत रहो नेरी। बस इतनी कृपा करिए कि आपके श्री चरणों की सन्निधि सदा बनी रहे। सात पुत्र थे कुंभन दास जी के, कोई पूछता कितने पुत्र हैं तो कहते डेढ़ पुत्र है। कुंभन दास जी अपना एक पुत्र जानते थे श्री चतुर्भुज दास जी को, जो स्वयं परम भागवत थे, और एक अन्य पुत्र था जो श्रीनाथ जी की गौ सेवा किया करता था लेकिन ठाकुर सेवा नहीं किया करता, तो कुंभन दास जी उसे अपना आधा ही पुत्र मानते थे। एक बार सिंह के आक्रमण के कारण उस पुत्र की मृत्यु हुई और पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनते ही कुंभन दास जी मूर्छित हो गए। अब ग्रामवासी भांति भांति की चर्चा करने लगे कि ये तो बड़े भागवत थे और पुत्र का ऐसा मोह और पुत्र की मृत्यु से ऐसा कष्ट कि मृत्यु का समाचार पाते ही मूर्छित हो गए। कुंभन दास जी के विषय में भांति भांति की चर्चा होने लगी। श्री गोसाई जी ने जब सुना तो श्री गोसाई जी समझ गए, आए और कुंभन दास जी के कान में आकर कहते, कुंभन दास जी आप घबराओ मत, आपको कोई सूतक नहीं लगा, हम आपको दर्शन करा दिया करेंगे। और सुनते ही कुंभन दास जी उठ खड़े हुए। श्री गोसाई जी ने मन की व्यथा जानी कि कुंभन दास जी की मूर्छा का कारण पुत्र की मृत्यु नहीं, उस सूतक का भय है जिसके कारण कुछ दिन के लिए श्री ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो पाएगा, श्री जी के सन्मुख नहीं हो पाऊंगा। मैं कभी जब इन भक्तों का चरित्र चिंतन करता हूं तो एक मौन समर्पण के अलावा हृदय में कुछ और नहीं होता। मन विचार करता है कि निश्चित रूप से क्या उन आचार्यों की कृपा का सामर्थ्य रहा होगा जो जीव को इस जीवन में भक्ति का ऐसा अनुपम विपुल सुख वैभव प्रदान किया, जो भावना का ऐसा सुख प्रदान किया। आप देखिए पुत्र मृतक पड़ा है, कुंभन दास जी को चिंता क्या है कि सूतक हो गया, श्री ठाकुर जी का दर्शन कैसे होगा। श्री गोसाई जी ने आकर मन की व्यथा दूर की, अरे कुंभन दास जी आपका स्पर्श पाकर किसी का सूतक दूर हो जाए, आपको सूतक क्यों कर लगने लगा, आप परम भगवदीय परम वैष्णव, आपको लोक और वेद की श्रृंखला कैसे बांधेगी, आपको लोक लाज और धर्म मर्यादा कैसे अपने बंधन में बांधेंगे। जिसे श्री कृष्ण कृतार्थ कर चुके हों उसकी ओर जैसे सिंह का हिस्सा कोई कोई गीदड़ या सियार लेकर नहीं जा सकता, ऐसे जिसे श्री कृष्ण ने स्वीकार किया है उसकी ओर दृष्टिपात करने का दुस्साहस कौन करेगा। आप निश्चिंत रहिए आपको दर्शन नित्य होगा। एक बार खेत में हल चला रहे थे और श्री लाल जी कुंभन दास जी के संग संग खेल रहे थे। श्री राजभोग की आरती का टकोरा लगा, कुंभन दास जी दौड़कर जाने लगे। ठाकुर जी ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले, जय जय आरती को दर्शन करूंगा। बोले, कौन की आरती, मैं तो आपके संग खेल रहे हूं। तो कुंभन दास जी बड़े विनीत स्वर में कहने लगे, जय जय ये मंदिर में नित्य दर्शन कोई फल है कि आप मेरे संग यहां खेल रहे हो? सो मंदिर को दर्शन तो जाए के करूंगा, और दूसरी बात यहां तो आप अपनी राजी से आए हो, कब आए कब चले जाओगे ये डोर तो आपके हाथ में है, पर वहां मेरे आचार्य ने आपको प्रीत की डोर से बांध के बैठायो है, वहां आप टस से मस नाए हैं सको, तो वहां तो जाए के दर्शन अवश्य करूंगा, और तीसरी बात यहां अकेले आप हो, वहां जाऊंगा तो आपके दर्शनन के साथ साथ जाने कितने भगवदीय और वैष्णवन को दर्शन होवेगो, सो मंदिर दर्शन करने तो जाऊंगा। मौन हो गए श्री ठाकुर जी कुंभन दास जी की उस प्रगाढ़ भावना के सन्मुख, और श्री सूरदास जी की भांति श्री कुंभन दास जी ने भी बड़े दीर्घ काल तक भगवत लीला गाकर केवल श्री लाल जी को ही नहीं
अनंत अनंत भगवदियों को वैष्णवों को परम सुख प्रदान किया। और इन संतों की वार्ता, इन संतों की वाणी, सत्संग सनातन बीज है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और हरि की कथा हरि भक्तों के संग ही पूर्ण होती है। जैसे हरि का यश अनंत है, नित्य नवीन है, ऐसे इन भक्तों की वार्ता भी उस गैया की तरह है। आप जितनी बार दोहन करें उतनी बार नवीन पोषण, नवीन पुष्टि प्रदान करने वाला दुग्ध आपके आपके हृदय के, आपके भाव के पात्र में आकर पड़ेगा। और अन्य भगवदीयों की भांति श्री गोसाई जी की सन्निधि में जब कुंभन दास जी नित्य लीला की ओर प्रयाण करने लगे तो श्री गोसाई जी ने उनसे भी पूछा कि कुंभन दास जी चित्त कहाँ है। तो कुंभन दास जी गाते हैं, रसिकनी रस में रहत घड़ी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत बिहरत संग लाल गिरिधर के, कौने भांति पढ़ी रसिकनी रस में रहत घड़ी। कुंभन दास लाल गिरिधर संग, कुंभन दास लाल गिरिधर संग रति रस के रसिकनी रस में रहत गढ़ी, कनक बेली वृषभानुनंदिनी, श्याम तमाल चढ़ी रसिकनी रस में रहत गढ़ी। सुधी आ गई। जब प्रथम बार श्री आचार्य चरण के सन्मुख हुए थे तो श्री कुंभन दास जी ने यही यही याचना की थी। नवनिकुंज मंदिर की लीला, बिहरत नित्य बिहारी कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, है हो दासी तिहारी श्री वल्लभ की बलिहारी, श्री वल्लभ की बलिहारी। आचार्य की कृपा का स्मरण करते हुए श्री युगल सरकार के उस नित्य नव निकुंज मंदिर में अपने नित्य स्वरूप में जाकर श्री कुंभन दास जी विराजमान हुए। और ये वार्ता यहीं यथामति, जो त्रुटिपूर्ण वक्तव्य मेरा रहा, यहीं श्री गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों में निवेदन करते हुए, आचार्य चरण की कृपा का स्मरण करते हुए आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को प्रणाम करता हूँ। नित विहार दर्शन जय जय वृंदावन, सलोनी पायो निकुंजन जय 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 श्री वृंदावन, हरिवंश चंद्र अमृत वर्ष सकल जंतु तापन हरणम जय।